नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मंडोत्रा जी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब कभी आप रिकॉर्डिंग करते हो अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल से, तो उसके बाद जब आप ऑडियो सुन रहे होते हो तो पीछे से आपको सनसन की आवाज आती है, तो उस आवाज को हम बोल देते हैं अनवांटेड आवाज को बोल देते हैं नॉइस। तो दोस्तों, नॉइस को कैसे रिमूव किया जाए, उसे कैसे हटाया जाए, तो इस वीडियो में मैंने बात की हुई है। तो दोस्तों, उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उस सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। उस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है और उसे कैसे इंस्टॉल करना है और उसे यूज करके कैसे नॉइस को रिमूव करना है, मैंने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए एक पैशन के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको अपना कोई ब्राउज़र खोल के, जैसे मैंने ब्राउज़र खोल दिया, यहाँ टाइप कर देना ऑडासिटी। ऑडासिटी टाइप करके सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा, audacityteam.org डाउनलोड। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करोगे आप सीधे इस पेज पे पहुँच जाओगे। उसके बाद दोस्तों, आप अपने पीसी के हिसाब से या अपने लैपटॉप के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर। जैसे मेरा विंडो है तो मैं विंडो के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग फाइल दी हुई है, आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जो डाउनलोड की है, मैंने फाइल डाउनलोड की है फर्स्ट वाली 25.3 MB की, जो कि मैंने डाउनलोड की हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं पड़ी हुई है डाउनलोड की हुई। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि 25.2 MB की है। तो ऐसे है, तो इसको जो इंस्टॉल करने का प्रोसीजर है बहुत सिंपल है। इसे क्लिक कीजिए इसके ऊपर दो बार या इंस्टॉल कीजिए। तो जैसे आप सिंपल बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वैसी की जाएगी, यस कर दीजिए। उसके बाद जैसे आप यस करोगे, लैंग्वेज के लिए पूछेगा, आप इंग्लिश रहने दीजिए। मेरे हिसाब से आप बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी सेटिंग्स है वैसे की वैसे रहने दीजिए। आप सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए और करते जाइए और इंस्टॉल कर दीजिए। तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बट थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसे इंस्टॉल होने में। आप इसे इंस्टॉल होने दीजिए। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर जो है रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। तो जैसे कि इंस्टॉल हो रहा है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, मैं फिर से इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो मैं पूरा प्रोसीजर से आपको सिखाऊंगा कैसे नॉइस को रिमूव किया जाता है, बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव किया जाता है। तो ये देखो, बस सिंपल सा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो कुछ इस तरह से इसे किया जाता है इंस्टॉल। मैंने इंस्टॉल कर दिया। ये देखिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। जैसे आपके सामने ये खुलेगा, आपके पास जो ऑडियो पड़ी है आप उसे सिंपली ड्रैग कीजिए और यहाँ रख दीजिए। जैसे आप ड्रैग करके यहाँ रखोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसे एक बार प्ले करके, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने एक रिकॉर्डिंग करके रखी हुई जिसके पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो मैं इसे जैसे ही प्ले करूँगा देखिए नॉइस कितनी आएगी। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स देता हूँ। टिप्स क्या है कि आप स्टार्टिंग में बोलना शुरू मत कर दीजिए, 1-2 सेकेंड या 5 सेकेंड आप क्या कीजिए, उसे और रिकॉर्डिंग को चलते रहने दीजिए, बोलिए मत। उससे अगर ये स्टार्टिंग की जो नॉइज़ होगी, जैसे ये लाइन सी बनी हुई है, ये जो लाइन है ये नॉइज़ है, तो इसे रिकॉर्ड होने दीजिए, ताकि आप जब फाइंड आउट करो तो आपको आसानी हो जाए। अब आपको पता चल के ये जितनी भी ये चीज़ है, ये सारी की सारी नॉइज़ है। तो जैसे आप स्टार्टिंग में नहीं बोलेंगे तो आपकी भी इसी तरह से कुछ नॉइज़ पता चल जाएगी। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए जैसे मैंने किया। सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आपको जाना है नॉइस रिडक्शन में। नॉइस रिडक्शन में जाने के बाद आपको क्लिक करना है गेट नॉइस प्रोफाइल में।
जैसे आप गेट नॉइस प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, आपको ऑल सेलेक्ट करना है, मतलब कि कंट्रोल प्लस ए क्लिक करके आपको पूरी की पूरी ऑडियो को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से सेम प्रोसीजर है, इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में जाने के बाद नॉइस रिडक्शन, उसके बाद अब कोई गेट नॉइस प्रोफाइल में नहीं जाना, आपको सीधा क्या कर देना, ओके कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं उनको वैसे का वैसे रहने देना है, आपको क्या कर देना, ओके कर देना। अगर आपको इनकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कितनी सेंसिटिविटी रखनी है, कितनी नॉइस रिडक्शन रखनी है, डीबी में फ्रीक्वेंसी स्मूथिंग कितनी है, आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करोगे उसके बाद ये देखो लाइन जो है देखो पहले कितनी मोटी थी अब पतली हो गई है। अब मैं इसे प्ले करके सुनाता हूँ आपको। देखिए नॉइस कितनी कम हो गई है। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का यूज करके। देखा फ्रेंड्स ये था, एक बार मैं अंडू करके दिखाता हूँ, देखो पहले कितनी नॉइस थी। मैं स्टार्टिंग से यहीं से शुरू करता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो देखिए कितनी नॉइस थी। जब हमने वो तरीका अपनाया, मैं फिर से चला के यूज करके दिखा देता हूँ। कुछ एरिया जो नॉइस है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, इफेक्ट में जाइए, नॉइस रिडक्शन में, गेट नॉइस प्रोफाइल, फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस ए सारा सेलेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट में जाइए, नॉइस रिडक्शन में फिर से, उसके बाद ओके कर दीजिए। जितनी नॉइस होगी सारी की सारी खत्म हो जाएगी। मैं जहाँ से आपको प्ले करके सुना देता हूँ एक बार। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का यूज करके। ये देखिए नॉइस बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट ऑडियो, एक्सपोर्ट ऑडियो के बाद आप जो भी नाम से इसे सेव करना चाहते हैं नाम लिख दीजिए, और यहाँ भी आप इसे स्टोर करना चाहते हैं उसे स्टोर कर दीजिए। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दिया, डेस्कटॉप पे, और इसके बाद आप आर्टिस्ट नेम, ट्रैक टाइटल जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं सिंपली इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब देखिए हमारे पास पहली ऑडियो जो थी वो कुछ इस तरह की थी, सुनिए। सॉरी वॉल्यूम ही होता, मैंने कम कर दिया था। पहले जो ऑडियो थी वो कुछ इस तरह की थी, सुनिए। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का यूज करके। देखिए कितनी नॉइस थी। अब जो नया वाली बनी है वो है ये वाली, इसे आप प्ले करके सुनाते हैं कि कैसे प्ले होती है, नॉइस है कि नहीं है। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का यूज करके। देखा दोनों में कितना डिफरेंस था, इसमें कितनी कम नॉइस है, नॉइस मतलब कि ऐसा लगता है कि है नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल की रिकॉर्डिंग थी उसमें कितनी ज़्यादा नॉइस थी। तो इस तरीके से हम नॉइस को रिमूव कर सकते हैं ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। मैंने बता दिया आपको कि आप कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप उसे नॉइस को रिमूव करके उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फाइल को, कैसे उसे सेव कर सकते हैं। मैंने ए टू जेड आपको बता दिया है, आप भी अब इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, नॉइस को रिमूव कर सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग से। दोस्तों मुझे पूरी पूरी
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद कैसे नॉइस को रिमूव करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।